दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम अपने खराब एलईडी बल्ब को सिर्फ 5 रुपए में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक खराब एलईडी बल्ब, चलिए इसको खोलते हैं। डिफ्यूजर ग्लास हटाने के बाद सबसे पहले ये कनेक्टिंग पॉइंट देखते हैं। कुछ बल्ब में ये कनेक्टिंग पॉइंट रिबिट से बने होते हैं और किसी में सोल्डर से। सोल्डर वाले में सोल्डर हटाकर कनेक्शन ओपन करने पड़ेंगे, तब किसी भी बाहर निकलेगा। और रिबिट वालों में रिबिट निकालने पर कनेक्शन ओपन होंगे। ये लीजिए दोस्तों, अब हमारा एलईडी बल्ब ओपन हो गया है। सबसे पहले हम सर्किट से एलईडी प्लेट को अलग कर लेते हैं। दोस्तों ये है ब्रिज रेक्टिफायर, इसके इस तरफ के ये जो पार्ट्स हैं, इनमें कोई अगर खराब हो तो उनको हटा सकते हैं, बस इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को छोड़कर। अगर ये खराब है तो ये आपको बदल कर नहीं लगानी पड़ेगी। बाकी पार्ट अगर सही है तो लगा रहने दें, नहीं तो उनको हटा दें। रेक्टिफायर के इस तरफ है बक सर्किट, इसके सारे पार्ट्स हटा दें। ये लीजिए दोस्तों, मैंने रेक्टिफायर से पहले के पार्ट्स छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स हटा दिए हैं। आइए अब वो सप्लाई प्रिंट देख लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर के बाद ये है हमारी नेगेटिव सप्लाई। एलईडी प्लेट की नेगेटिव सप्लाई का वायर हम यहीं कनेक्ट करेंगे और इस प्रिंट को हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे। बस इसको यहाँ सोल्डर से थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दोनों रेजिस्टेंस मैंने इसी पर छोड़ दी हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट के बिल्कुल पास में लगी हैं और इनकी वैल्यू भी सही है, 220 के प्लस 220 के यानी 440 के। ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में यूज होंगे। अगर आपका सर्किट अलग है तो एक 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के पैरेलल में लगानी पड़ेगी। अब हमें लगाना है नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई के बीच एक कैपेसिटर। वैसे तो जो कैपेसिटर इसमें निकला है वही वापस लगा सकते हैं अगर वो ठीक है तो, नहीं तो इसकी जगह आप 10 MFD से लेकर 47 MFD के बीच किसी भी वैल्यू का कैपेसिटर लगा सकते हैं। बस इसकी वर्किंग वोल्टेज 100 वोल्ट से लेकर 160 वोल्ट के बीच होनी चाहिए। अब आती है मेन पार्ट्स लगाने के बारे। ये कैपेसिटर ये है 125J 250 वोल्ट यानी 1.2 UF 250 वोल्ट का कैपेसिटर। दोस्तों आपका बल्ब 3 वाट से 5 वाट का है तो आप 105J 250 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करें, और अगर 8 वाट से 12 वाट का है तो 125J 250 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करें। इस कैपेसिटर को लगाना है हमें रेक्टिफायर से पहले सीरीज में। तो यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है, हम इसको हटाकर इसकी जगह इस कैपेसिटर के कनेक्शन कर देते हैं। Thank you.
दोस्तों अब हमारा ड्राइवर बोर्ड एकदम तैयार है। अब देखते हैं एलईडी प्लेट को। हो सकता है दोस्तों इसमें एक या दो आपकी एलईडी खराब हो। खराब एलईडी को पहचानना बहुत ही आसान है, या तो पूरी एलईडी काली पड़ जाएगी या उसमें कोई छोटा मोटा ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई देगा, तो समझो वो एलईडी खराब है। मैं यहाँ पर एक दूसरी प्लेट में आपको दिखाता हूँ खराब एलईडी कैसे दिखती है। अगर आपकी प्लेट में ऐसी कोई एलईडी दिखती है तो उसको हटाकर उसके दोनों पॉइंट को शोल्डर से आपस में कनेक्ट कर दीजिए। इस सर्किट में एक या दो एलईडी कम या ज्यादा से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से सिर्फ 5 रुपए का एक कैपेसिटर लगाकर आप अपने खराब एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।